नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। और आज जैसे कि आप सभी जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म जयंती है। ऐसे में हम आपको बता दें, इस वक्त हम आपको लेकर के आए हैं चंपासारी, जहां पे आज उनका इस प्रतिमा का अनावरण हुआ। ऐसे क्षण में 18 नंबर वार्ड के वार्ड काउंसिलर संजय शर्मा जी, दिलीप बर्मन जो कि 46 नंबर वार्ड के वार्ड काउंसिलर और 3 नंबर वार्ड के वार्ड काउंसिलर रामभजन महतो जी के साथ साथ आज 3 स्कूल भी यहां पे हिस्सा लिया था। जैसे कि हमें जानकारी प्राप्त है, देशबंधु हिंदी हाई स्कूल के अलावा IB थापा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी हाई स्कूल, गर्ल्स हिंदी हाई स्कूल, ये तमाम स्कूल यहाँ पे थी। आप सभी जानते हैं कि जीरदेई, जिस जो आज वर्तमान में जीरादेई के नाम से जाना जाता है, जो सिवान जिला में है, एक समय सारण में हुआ करता था, वहीं पे इनका जन्म हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। और आज यहाँ पे इस प्रतिमा का अनावरण हुआ है। ऐसे समय में हम आपको लेकर के आए हैं, हमारे लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का आज इस प्रतिमा अनावरण के अवसर पे हम आपको लेकर के आए हैं। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कितना सुंदर सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद December 3, 1884, यानी कि 3 दिसंबर आज ही के दिन इनका जन्म होता है। और February 28, 1963 में इनका देहांत हो जाता है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, आप ये देख पा रहे हैं। और जो तमाम पहलू पे हम आपको पहले ही सिलसिलेवार तरीके से आपको बता चुके हैं, तो जुड़े रहें आप हमारे साथ ऐसे ही अपडेट्स लेकर के। हम पुनः मिलेंगे आपके साथ। आप सबका दिन शुभ हो। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक बात मैं आपको और बता दूँ, आज दिलीप बर्मन जी के साथ फ़ोन में हमारी इंटरव्यू होती है। तमाम इंटरव्यू को आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स के सौजन्य से। धन्यवाद। सर, दिलीप सर नमस्कार, मैं पंकज द ग्लोबली न्यूज अपडेट से आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार सर। आज का जो कार्यक्रम हुआ है सर, अपने चंपासारी मोड़ में 46 नंबर वार्ड में, ये 77 वर्ष के बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का मूर्ति का अनावरण किया गया, इस विषय में आप क्या कहेंगे, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, राजेंद्र प्रसाद जी एक तो हमारा देश के पहले राष्ट्रपति थे जी। दूसरी बात है, जो एक राष्ट्रपति कंटिन्यू 12 साल उन्होंने राष्ट्रपति थे जी। तो आज ये इनका अगर हम लोग अगर इनका लेके अगर हमारा देश में हमारा वार्ड में अगर कुछ काम नहीं करेंगे, उनका अगर मूर्ति अनावरण नहीं करेंगे, तो हमारा भी तो देश मतलब कि हमारा भी तो कुछ इच्छा होता है ना, जो कि एक इतना अच्छा आदमी, गरीब घराना का आदमी और इतना अच्छा सोच जिसने किया है हमारा देश के लिए, तो उनका तो हम लोग का ये सब करना चाहिए जी। ये तो और पहले होना चाहिए था जी, ये और बहुत पहले होना चाहिए था। सब हमारा देश के राष्ट्रपति लोगों का सबको जोर नहीं है हमारा देश में, सबका मूर्ति लगा हुआ कहीं ना कहीं, तो इसीलिए हम लोग का तो ये कर्तव्य बनता है। ये हम अगर ये किया, हम लोग हमारा वार्ड जो ये काम किया, तो ये तो गर्व का बात है जी। एक राष्ट्र हमारा देश की एक फर्स्ट राष्ट्रपति जी, तो उनका अनावरण करना तो हमारा कर्तव्य बनता है ना सर। ये वास्तव में 77 वर्ष के बाद हमारे चंपासारी में हुआ है सर। आप बहुत सुंदर बात बोले कि ये बहुत पहले होना चाहिए, लेकिन मैं रिस्पेक्टेड सर से ये जानना चाहूंगा सर कि सर इसका प्रेरणा और प्लानिंग क्या, कितने वर्षों से या कितने महीनों से, कैसे चला, कहां से आपको मिला इसका प्रेरणा, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, एक दिन ऐसा हुआ, मैं सोचा कि अगर जो जिसका देखिए एक राष्ट्रपति जी के नाम पर स्कूल है यहाँ सिलीगुड़ी में जी, राजेंद्र प्रसाद स्कूल है, लेकिन सिलीगुड़ी में कहीं मैंने मूर्ति नहीं देखा जी। तो मैं वो सोच के एक दिन हमारा जो संजय शर्मा जी है हमारा काउंसिलर 18 नंबर की जी, तो मैं उनसे बात किया, तो मैं उनसे उनको बोला जे सर आप तो देखिए आप तो एक अच्छा वक्तव्य रखते हैं और आपका भाषा भी बहुत क्लियर है, जो कि हम लोग हिंदी में उतना नहीं बोल पाता है जी। तो हम ऐसा सोचे कि ऐसे राष्ट्रपति जो हमारा राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनका अगर हम लोग अगर मूर्ति उन्मोचन करेंगे तो कैसा होगा
तो वो बोला ये तो आप बहुत बड़ा बात बोल दिया, जो कि ये काम होना चाहिए जी। ये आप जो बोला ये तो कभी कोई नहीं बोला, आप जो हम लोग का हिंदी भाषी लोग कोई नहीं बोला जी। तो आप जो सोचा ये तो बहुत बड़ा बात है जी। तो हमने उसको उनको बोला ये तो आप उनका हमारा फोटो चाहिए, फोटो दीजिए, हम उसको उनको वो देख के मूर्ति बनाने देंगे जी। ये मूर्ति हम लोग माटीगढ़ा में बनाया, जो पालकर है पाल जी, तो उनका पास बनाए, इसका पहले भी उनका पास हम लोग 3 मूर्ति बनाए, ये आपका बिरसा मुंडा हुआ, जज मावट हुआ, इसके बाद आपका पंचानन वर्मा का मूर्ति हुआ, सब हम लोगों ने वही बनाया। हमने अभी तक और एक मूर्ति बनाने दिया ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, जो स्कूल का जो गेट है जी, वहाँ भी एक अच्छा गार्डन करके हमने वहाँ भी एक मूर्ति लगाएंगे। सर ये कब तक, सर ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर का आप प्रतिमा कब तक लगेगा सर? उनका अभी जब बर्थडे आएगा ना, बर्थडे या जन्मदिन जो जल्दी आ जाएगा जी जी, वही टाइम पे लगाएंगे। सर ये जो मूर्ति बना है सर, ये क्या मतलब, ये ओपन सेट में अगर रहेगा तो धूप और बरसात के असर कुछ उसमें नहीं होगा सर? ऐसा कोई क्या, कोई ऐसा केमिकल का यूज किया गया है मूर्तिकार के द्वारा? देखिए केमिकल जो यूज हुआ ये यूज हुआ, लेकिन हमारा यहाँ 46 नंबर वार्ड है, इसके पहले भी 3 मूर्ति लगा हुआ है जी जी, उसको हमने जो ग्लास से सब कवरिंग किया, अच्छा, उसके अंदर लाइटिंग का बंदोबस्त किया, जैसे वहाँ कोई धूल उल ना गिरे जी जी जी, ठीक है। वो ऐसा नहीं, सिलीगुड़ी में तो बहुत जगह में मूर्ति है जी, लेकिन कोई जगह में छोटा एक छाता लगा दिया जी, कोई जगह इसे ब्लैंक पड़ा हुआ है जी, तो ये नहीं होगा 46 में। 46 में जो होगा एकदम देखने का लाइक होगा। आप लोग को मालूम है कि ये रोड में आप पहले जो 3 लगा था सबको हम लोग कवरेज करके रखा, लाइटिंग देके किया है जी, ये भी लगेगा और शायद हमको 1-1.5 महीना लगेगा, क्योंकि ये सब कुछ तो पैसा है जी जी, डेफिनेटली। हाँ तो इसमें ये पैसा जोगाड़ करने में टाइम लगता है जी। अच्छा, तो इसीलिए सर एक सवाल और है सर, इसमें क्या कोई सामाजिक संस्था भी आपके साथ जुड़ा हुआ था सर? उनके उनके तरफ से भी कोई सहयोग ऐसा कुछ आपको प्राप्त हुआ सर? देखिए यहाँ आपका सिलीगुड़ी में बिहारी कल्याण मंच से भी मैंने बैठा था, मीटिंग भी किया जी सर जी। तो उसके बाद और एक समाज एनजीओ है वो लोग भी बैठा था, सब हिंदी भाषा का जी जी सर। हमारा यहाँ बंगाली कम्युनिटी नेपाली कम्युनिटी से सबसे बैठ के बात किया जी, तो आपका बिहारी कल्याण मंच से भी थोड़ा कुछ हेल्प मिला है, और हमारा यहाँ जो दो एक होटल है ये लोग थोड़ा थोड़ा कुछ, कोई माइक का पैसा दे दिया जी, कोई मिठाई दे दिया, कोई पानी दे दिया, ऐसे करके हम लोग कम्प्लीट कर लिया। लेकिन मूर्ति हमने मेरा एक हिसाब था, वो हिसाब से मैंने पहले एडवांस किया था जी सर। सर एक और संस्था का नाम आ रहा है सर, वो चित्रगुप्त फाउंडेशन बोल करके। हाँ चित्रगुप्त फाउंडेशन मेरा साथ जुड़ा हुआ है जी, नाम मेरा मालूम नहीं था जी जी, तो कोई चित्रगुप्त, हाँ तो इसीलिए माफी चाह रहा हूँ। कोई बात नहीं, तो चित्रगुप्त फाउंडेशन इन लोगों ने जितना पानी का बंदोबस्त था इन लोगों ने किया, इन लोगों ने बहुत बहुत अच्छा तरीका से, जो इतना गेस्ट आया सबको देखना सुखना, किसको पानी चाहिए, किसको मिठाई चाहिए, किसको क्या करना है, ये चित्रगुप्त बहुत अच्छा काम किया। आने वाला दिन में चित्रगुप्त ये जिम्मेवारी लिया है जी, ये मूर्ति का लिए, राजेंद्र प्रसाद जी का जो मूर्ति खाली लगाना से नहीं होगा, इनका जन्मदिन, इनका डेट ऑफ बर्थ, ये जो जो, जो पोगड़ा ये सब में वो सब जिम्मेवारी उन लोगों ने लिया, क्योंकि मैं एक काउंसिलर हूँ, एक काउंसलर का नाते मेरा तो हर टाइम टाइम नहीं मिलेगा सर। आज तो, आज आपके साथ मंच पे और कौन कौन सर आपके सहयोगी और दूसरे वार्ड के और पदाधिकारीगण उपस्थित थे सर? मेरा वार्ड में आज आपका इधर आपका हमारा चेयरमैन पुतुल चक्रवर्ती जी ने थे जी, इधर रामभजन महतो, उसके बाद संजय शर्मा, संजय पाठक, गार्गी चटर्जी, और हमारा ये आपका एक आपका ये यूनिवर्सिटी के एक, एक, एक क्या घोष, तो ये लोगों ने मेरा उनको मेन हम लोग तो उद्घाटन का जिम्मेदारी उनको दिया था, क्योंकि एक वरिष्ठ आदमी और ये आपका राजेंद्र प्रसाद जी का संबंध में उनका बहुत जानकारी था, तो उन्होंने पीस दिया, बहुत अच्छा पीस दिया। हमारा जो आने वाला पीढ़ी है इन लोग का सीखने का कोई मौका मिला,
ये राजेंद्र जी कौन है? अच्छा सर, सर एक बात और सर, क्विज कंपटीशन भी आप लोग रखे थे सर, इसका प्लान किसका था सर? ये आपका हमारा जो राजेंद्र प्रसाद स्कूल है जी, और हमारा जो गैस गोडाउन में हमारा एक टीचर है जी, भारती सर जी, भारती सर इन लोगों ने, और आपका मार्गेट स्कूल का टीचर भी थे पांडे जी जी, तो ये सब लोगों ने मिलकर इसको किया है सर। मार्गेट स्कूल के जो टीचर पांडे सर, वो अभी तो सर देशबंधु स्कूल के जो प्रधानाध्यापक सर है। हाँ, उन्होंने आया था। अच्छा, अच्छा। सर मेरा पहले का रिलेटेड है जी जी, इसलिए उन्होंने किया। अच्छा सर, ऐसे समय में सर और क्या संदेश देना चाहेंगे सर, इतना अच्छा कार्यक्रम के बाद में आप समाज को? मैं समाज को इतना तक बोल सकता हूँ कि आइए सबको मिल के अच्छा काम करें, और ये सब जितना मुनि ऋषि जो हमारा देश के लिए काम किया है, इनका स्वागत करें, और इनका विषय में हमारा आने वाला पीढ़ी को जानकारी मिले कि हम लोग ये इतना देश स्वाधीन के लिए इन लोगों ने क्या किया, इसका संदेश उन लोगों पर देना। दिलीप सर, आपको सभी जानते हैं, आपके आवाज परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी सर आप एक बार अपना स्वयं अपने मुंह से अपना एक बार परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम है दिलीप बर्मन, मैं 46 नंबर वार्ड की वार्ड पार्षद हूँ, और मैं सिलीगुड़ी कॉर्पोरेशन के MIC, मेरा डिपार्टमेंट है ट्रेड लाइसेंस, हाउसिंग फॉर ऑल और गेम्स। सर मैं अगर आपका ऑर्डर हो तो आपके साथ जो वार्तालाप किया, ये रिकॉर्ड किया हूँ, इसको मैं न्यूज में यूज कर सकता हूँ? कोई बिना फिक्र में आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। मैं पंकज द ग्लोबल न्यूज अपडेट से सर, थैंक यू सर। थैंक यू। शहर से दूर कुदरत के बीच छुट्टियों के कुछ दिन बिताना है तो आयुष जंगल रिसोर्ट आपका स्वागत करता है। डुआर्स के खूबसूरतियों के बीच चारों ओर घने जंगलों से घिरा मूर्ति नदी के किनारे, यहाँ AC नॉन AC डिलक्स रूम के साथ साथ आनंद लीजिए स्वादिष्ट और हाइजीनिक खाने का। हमारे यहाँ जंगल सफारी के सुव्यवस्था के साथ साथ पिक एंड ड्रॉप सेवा भी उपलब्ध है। आज ही आए छुट्टियों के कुछ दिन बिताने आयुष जंगल रिसोर्ट गोरुमारा बंगलो के नजदीक, नया मूर्ति नदी लाटागुड़ी।